छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बड़ा परिवर्तन लाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लॉ की बात करेंगे जहां पर आप अपने क्लाइंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। और यदि इनमें से कोई भी लॉ आपकी कंपनी में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में इम्प्लीमेंट हो तो ज़रूर उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि आप एक बहुत बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लॉ ऑफ इन्फ्लुएंसर्स का, उन लोगों के सिद्धांतों का जिन्होंने किसी न किसी तरह से मार्केट में अपने क्लाइंट को और बहुत बड़े मार्केट शेयर को इन्फ्लुएंस किया है। एंड द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ लीडरशिप इन अ कैटेगरी। फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्लोबल लीडर हैं नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी इंडस्ट्री में, एक अपनी कैटेगरी में लीडर हैं या नहीं। आपको ऐसे फार्मूलाज को अडॉप्ट करना होगा जिसकी वजह से आप एक डिफरेंट कैटेगरी में लीडरशिप को होल्ड कर सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज एक डिफरेंट क्राइटेरिया में, डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव सेक्टर में अपनी लीडरशिप को स्ट्रांग बनाती हैं। आपको ये समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से आपकी इंडस्ट्री में एक लीडरशिप क्रिएट कर सकता है। एंड इफ यू रियली वांट टू इन्फ्लुएंस योर क्लाइंट और मार्केट शेयर, यू हैव टू वर्क ऑन लॉ ऑफ एक्सक्लूसिविटी। मतलब आपके कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन सी सर्विसेज एक्सक्लूसिवली आपने डिजाइन की हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स ओनली, मतलब एक्सक्लूसिव विद नेटफ्लिक्स। दिस प्रोग्राम इज अवेलेबल ओनली इन Amazon प्राइम। दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन Amazon ओनली। मतलब आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज एक्सक्लूसिवली कहां पर अवेलेबल है। जब आप एक्सक्लूसिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लूसिव मार्केट शेयर का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिवली सर्च करते हैं। एंड द नेक्स्ट लॉ ऑफ डिवीजन। फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में अपना बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखती हैं। जैसे शू मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनी अलग अलग मार्केट शेयर को लीड करती हैं और साथ ही साथ अलग अलग डिवीजन को भी लीड करती हैं। जैसे रिबॉक, प्यूमा, ये वो कंपनी है जो स्पोर्ट्स शूज में फेमस हैं, जबकि लिबर्टी, लखानी, बाटा ये वो कंपनी है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल शूज में डील करती हैं। इसके बावजूद भी एक ही कैटेगरी में भी उन्होंने सब कैटेगरी डिवाइड की हुई हैं, अलग अलग डिवीजन डिवाइड किए हुए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ रिबॉक शू के बारे में, तो रिबॉक शू इज अ स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वहाँ पर आपको रनिंग के शूज़ अलग मिलेंगे, जॉगिंग के शूज़ अलग मिलेंगे, फुटबॉल खेलने के शूज़ अलग मिलेंगे, वॉलीबॉल के शूज़ अलग मिलेंगे, क्रिकेट के शूज़ अलग मिलेंगे। ठीक उस तरह से बाटा कंपनी स्कूल शूज़ अलग मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स के शूज़ अलग मिलेंगे, यूथ के शूज़ अलग मिलेंगे, फैशन ट्रेंडिंग शूज़ अलग मिलेंगे। अपने प्रोडक्ट को लेकर अपनी कंपनी में अलग अलग डिवीज़न क्रिएट करना, ये भी बहुत बेहतरीन लॉ है जिसकी वजह से आप सेम सेगमेंट में होने के बाद भी नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत बड़ा डिवीज़न, बहुत बड़ा शेयर होल्ड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट लॉ ऑफ कैंडर। फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनीज अपनी कमियों को ही अपनी स्ट्रेंथ और पावर बना के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को उतार देती हैं और उन कमियों को ही परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में, टैगलाइन के रूप में मार्केट में फेमस कर देती हैं। जैसे कुरकुरे का आपने ऐड देखा होगा, टेढ़ा है पर मेरा है। बिंगो का आपने ऐड देखा होगा, मैड एंगल, तीनों तरह से एक जैसा। मतलब एक ही डाई से एक ही तरह का प्रोडक्ट लगातार प्रोडक्शन में करते जा रहे हैं और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए उन्होंने मार्केट डेफिनेशन बना ली, एक मार्केट की परिभाषा बना ली कि टेढ़ा है पर मेरा है या बिंगो मैड एंगल, तीनों तरफ से एक जैसा। एंड द नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स, बहुत सी कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग सर्विसेज में डील करती हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो एकदम से देखती हैं कि मार्केट में किस तरह का ट्रेंड आया है, मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड किस तरह की है, प्रोडक्ट किस तरह का चाहिए, सर्विसेज किस तरह की चाहिए, और ठीक बाकी सभी प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक्सेलरेशन की स्पीड दबा देते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा मार्केट शेयर वो कैच कर लेते हैं। जैसे लेडीज वियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरीज में लेडीज के लिए बनाते हैं लेकिन जैसे ही ट्रेंड में लेगिंग्स आई तो सारी की सारी कंपनीज ने लेगिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार कर लिया और एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। एंड द नेक्स्ट लॉ ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। बहुत सारी कंपनीज एक प्रेडिक्टेबिलिटी पर भी काम करती हैं, वो ये अज्यूम कर लेती हैं, वो मार्केट फ्यूचर को देखते हुए ये मान लेती हैं, ये समझ लेती हैं कि कौन से प्रोडक्ट भविष्य में
चलने वाले हैं, उनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसी की तरह से वे फ्यूचर प्रोडक्ट डिजाइन करके मार्केट का बहुत बड़ा शेयर पहले से कैप्चर कर लेती हैं। जैसे हुंडई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका सबसे पहला वेरिएंट आया पेट्रोल कार, फिर आया डीजल कार। अब उन्हें पता है कि आने वाले समय में पेट्रोल एंड डीजल दोनों की क्वांटिटी कम होने वाली है, उनके यूजर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उसका प्राइस तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो आज से ही हुंडई ने इलेक्ट्रॉनिक कार का वेरिएंट निकालना शुरू कर दिया और नेक्स्ट ईयर से मार्केट में हुंडई की इलेक्ट्रॉनिक कार आसानी से आप देख पाएंगे। मतलब उन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया जो भविष्य में चलने की बहुत अधिक संभावना है। साथ ही साथ और फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देखते हुए उन्होंने सोलर पावर से चलने वाली भी कार डिजाइन करना शुरू कर दिया, ताकि आने वाले समय में जब नई कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रही होंगी, उस समय पर वो कंपनी अपने डेवलप्ड प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही होगी और एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर एडवांस में अभी से कैप्चर कर लेंगे और लोगों के मन में एक गहरी छाप के रूप में अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर लेंगे। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति मार्केट में लीडर नहीं बन सकता, लेकिन कई बार लॉ ऑफ ड्यूअलिटी भी काम करता है और ये लॉ ऑफ ड्यूअलिटी ये कहता है कि एक सेगमेंट में एक प्लेयर कभी भी लीडर नहीं होता, उसके जैसे कई प्लेयर्स मार्केट में लीड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लॉ ऑफ ड्यूअलिटी में भी काम करते हैं तो भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर आप कैप्चर कर सकते हैं। आज बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मार्केट में ड्यूअलिटी का लॉ काम करता है। जैसे जितना फेमस पेप्सी है उसी तरह से कोक भी है, मतलब देर आर टू डिफरेंट ऑप्शन, आइदर आई विल गो फॉर पेप्सी प्रोडक्ट और गो फॉर कोक प्रोडक्ट। सेम मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज, दोनों का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। सेम प्यूमा एंड रीबॉक, लाइक हुंडई एंड होंडा। तो ठीक इस तरह से बहुत सारी कंपनीज ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं और एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं। फ्रेंड्स, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन 6 सिद्धांतों से कम 3 सिद्धांत आपकी कंपनी में जरूर लागू होते होंगे। आपको केवल जरूरत है तो इन सिद्धांतों को समझने की और अपने आप से एक प्रश्न करने की कि किस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और अपनी मार्केटिंग को लेकर इन सिद्धांतों का प्रयोग करके अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप कर सकता हूं। अगर आपके मन में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज या अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मैं दे सकूं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनके पूरे विश्व में अपना परचम लहरा सके, और ये तभी संभव है जब छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे शहरों से और सभी देश के लोग बहुत बड़ा बिजनेस शेयर कैप्चर कर सकें, और ये तभी संभव है जब आप बेहतरीन लर्निंग करें। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट के सक्सेसेस के फॉर्मूलाज को यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेटास क्लब का जो यूट्यूब चैनल है, इसमें हमने सभी कॉर्पोरेट्स के सीक्रेट्स को उजागर किया है। आप भी अपनी कंपनी को डेवलप करें, बिजनेस को नए आयाम और नए कीर्तिमान तक ले आ सकें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब आप भी अपनी ज्वेलरीज की वैरायटीज को माय आभूषण ऐप पे डाल सकते हो और सीधा ग्राहकों से जुड़ सकते हो। अभी डाउनलोड करें ऐप माय आभूषण।